आज मैं आपके साथ करीना कपूर का सीक्रेट फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुजाता और आपकी सुजाता में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करीना कपूर स्पेशल फेस पैक, जो उन्होंने काफी टाइम पहले अपने मतलब सोशल मीडिया पे शेयर करा था, जिससे वो अपने स्किन को ग्लोई बनाती है, शाइनी बनाती है, ब्राइटनिंग बनाती है। तो वही फेस पैक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनका सीक्रेट फेस पैक। तो देखते हैं सीक्रेट फेस पैक को बनाना कैसे है। तो उनके फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट्स था दोस्तों सैंडलवुड पाउडर, जिसे हम चंदन पाउडर कहते हैं। तो एक चम्मच हम लेंगे यहाँ पे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपको पता है स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, उसको ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्रोडक्ट है। तो एक चम्मच हमने लिया है चंदन पाउडर। उसके बाद उसमें उन्होंने ऐड करा है 2 विटामिन ई की कैप्सूल या विटामिन ई ऑयल, जो भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं या विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विटामिन ई ऑयल ले रही हूँ, 2 ड्रॉप्स। उसके बाद हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। हल्दी में आपको पता है एंटी एलर्जिक गुण होता है, एंटीसेप्टिक गुण होता है, तो पिंच ऑफ हल्दी हमने इसमें ऐड कर ली है। देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, रॉ मिल्क। तो रॉ मिल्क भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। तो ये हमारा फेस पैक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फेस पैक बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फेस को हम कर लेते हैं पहले क्लीन। तो फेस तो मेरा क्लीन है, सिर्फ मैंने बिंदी लगाई है। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस फेस पैक को, चंदन फेस पैक। तो देखते हैं इसके रिजल्ट हमें कैसे मिलते हैं। चंदन का जो फेस पैक होता है ना दोस्तों, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है। अगर आप समर में इसे लगा रहे हैं तो बेस्ट है समर के लिए। तो इसे मैं 20 मिनट्स तक ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और फेस पैक ड्राई हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा गीला है क्योंकि यहाँ पे मैंने मोटी सी लेयर लगाई थी। अब आपको क्या करना है, फिंगर की हेल्प से इसे इस तरीके से रब करना है। इसी तरीके से आपको पूरा फेस पैक को रिमूव करना है, या आप वॉश बेसिन के किनारे करिए, नहीं तो पूरे घर में ये फेस पैक हो जाएगा और डांट आपको पड़ेगी। तो इस तरीके से इसे रिमूव करेंगे। तो मैं अपने फेस को यहाँ पे कर लूंगी क्लीन। फेस पैक को तो मैंने रिमूव कर लिया है। स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है, इससे सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन लग रही है और मतलब ग्लो काफ़ी अच्छा आया। हल्का सा येलोइश टोन लग रहा है स्किन में, क्योंकि हमने उसमें टर्मरिक डाली थी, धीरे धीरे वो हट जाती है। तो आप डेफिनेटली इस फेस पैक को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ऑसम रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इस फेस पैक के। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।